कबीर खान ने शेयर किया है तालिबान को लेकर अपना एक्सपीरियंस। हाय, दिस इज मी मनु एंड यू आर वाचिंग बूगल बॉलीवुड। अगर मैं बात करूं कबीर खान की, तो वो बहुत ही अच्छे फिल्म मेकर हैं और काफी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज वो लोगों के सामने ला चुके हैं। लेकिन जब उन्होंने बॉलीवुड में पैर रखा था, उससे पहले उनकी डॉक्यूमेंट्रीज काफी ज्यादा फेमस थी। साल 2006 में उनकी मूवी आई थी, जो कि उनकी डायरेक्टोरियल मूवी तो थी ही, लेकिन उसी के साथ ये मूवी काफी ज्यादा सुपरहिट रही थी। इसका नाम था काबुल एक्सप्रेस। इसमें आपने काफी सारे इंडियन रिलीजन के एस्पेक्ट्स देखे होंगे, मॉन्सून रिलीजन के एस्पेक्ट्स देखे होंगे, और इसमें स्टार थे अरशद वारसी और जॉन अब्राहम। लेकिन अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो इन दोनों ने भी काफी अच्छा किरदार निभाया था। लेकिन अगर मैं बात करूं इस मूवी के शूट की या इसकी शूटिंग लोकेशन की, तो इसे अफगानिस्तान में शूट किया गया था। और उसी के साथ कबीर खान ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया, इट वॉज टू स्कैरी टू शूट। ये वर्ड सुन के आप लोग डेफिनेटली शॉक हो गए होंगे, क्योंकि उस टाइम पे कबीर खान को थ्रेट कॉल्स आने शुरू हो गए थे और उनको धमकियां भी मिलने शुरू हो गई थी तालिबान की तरफ से कि शूटिंग यहाँ नहीं होगी और मूवी में एस्पेक्ट नहीं दिखाया जाएगा। बट फिल्म मेकर कबीर खान फिर भी बहुत पॉजिटिव तरीके से इस मूवी की शूटिंग को खत्म करके आए थे और इस मूवी ने काफी ज्यादा हाइक्स भी बटोरी थी। तो दोस्तों, आपका क्या कुछ है कहना इस पूरी न्यूज को लेकर, मुझे जरूर बताइएगा। और बॉलीवुड के हर एक टॉप अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल, जिसका नाम है बूगल बॉलीवुड।